मैं सरकार की ओर से सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूँ, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी। मैंने कहा सर इस पे एक्शन बड़ा होना चाहिए, एक्शन नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा। हम आप तक न्याय मांगने आए थे, आपने मुझसे मिले, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमने कहा कि रीमेड करवाया जाए और जो है उसके क्या नाम सीबीआई इंक्वायरी हो एनटीए पे, और मतलब जो 1563 बच्चों वाला सिस्टम है ग्रेस मार्किंग वाला, पक्का नहीं है कि इतने ही बच्चों का है और बच्चों का भी हो सकता है। और क्या कि जो ओएमआर में है तो रजिस्ट्रेशन फीस को थोड़ा सा कम किया जाए, और ओएमआर में जो मतलब बच्चे लास्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस चीज को बाद में अपना लिख के जाए कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ताकि बाद में कोई ओएमआर से छेड़छाड़ ना की जाए। वहाँ भी थे तो मैंने कहा सर इस पे एक्शन बड़ा होना चाहिए, एक्शन नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा। हम आप तक न्याय मांगने आए थे, आपने मुझसे मिले, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैंने कहा कि मैं कल आपके जो शब्द से मैं आहत रहा, तो बोले मैं आप आहते थे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं आपको आहत नहीं करना चाहता किसी गार्जियन को। तो मैंने कहा एक मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो मैं यूपी गवर्नमेंट चुनाव से पहले पेपर लीक का मामला आया था, वहां बच्चे सड़कों पर उतरे तो वहां सरकार ने बगैर सुप्रीम कोर्ट के एकदम से दोबारा पेपर लाने कह दिया, तो यहाँ भी तो कह सकते हैं। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, ये कहा उन्होंने मुझसे, और यही कहा कि हम न्याय दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे, हमारा पक्ष आपके पक्ष में ऐसा बोला, संतुष्ट किया। अब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने बेचारा सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा करना पड़ा कि रीमेड करवाया जाए और जो है उसके क्या नाम सीबीआई इंक्वायरी हो एनटीए पे, और मतलब जो 1563 बच्चों वाला सिस्टम है ग्रेस मार्किंग वाला, पक्का नहीं है कि इतने ही बच्चों का है और बच्चों का भी हो सकता है। और क्या कि जो ओएमआर में है तो रजिस्ट्रेशन फीस को थोड़ा सा कम किया जाए, और ओएमआर में जो मतलब बच्चे लास्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस चीज को बाद में अपना लिख के जाए कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ताकि बाद में कोई ओएमआर से छेड़छाड़ ना की जा सके। आपके नंबर कितने आए थे और आपका व्यक्तिगत जो इशू है क्या था? 627 मार्क्स है क्योंकि रैंक बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो हमें कॉलेज मिलने की कोई संभावना नहीं बचती है, तो इसलिए हमें कॉलेज मिल जाए इसलिए आप दोबारा 41 पिटीशन पड़ी है विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे, और कोर्ट की फैसला हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है, परीक्षा अच्छी हुई है, एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट करके कुछ लोगों को देश में ऐसे एग्जामिनेशन व्यवस्था पसंद नहीं है, थोड़ा गहराई से देखो उनके पीछे कौन है, और उनकी मैं विद्यार्थियों की आकांक्षा विद्यार्थियों के मन की बात को सम्मान करता हूं, उनको आश्वस्त करता हूं, सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों करेगा, बाकी राजनीतिक कारण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए।